सलमान खान की कही हुई बात सच थी? क्या उन्होंने जो कहा दबंग 4, क्या वो सच में होने वाला है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म दबंग 4 के बारे में। दबंग 4, जी हाँ सही सुना आप सभी ने। अब ये बात सिर्फ एक अफवाह है या इस पर लग चुका है ठप्पा? अगर आपको ये जानना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे चुलबुल पांडे से। ये ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखे, यानी कि एकदम मस्त मौला, अपने काम को हाँ सीरियस तो लेते हैं लेकिन ऐसा करते हैं कि लगता है कि भाई बड़ा आसान काम है। जहाँ उनकी बात आती है तो बहुत आसानी से केसेस हैंडल कर लेते हैं, चोरों को पकड़ लेते हैं, बुरों को चकमा दिखा देते हैं। भाई अब इससे अच्छा पुलिस ऑफिसर कहाँ मिलेगा जिसकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी बल्कि वे ऑफ हैंडलिंग भी बाकी पुलिस वालों से अलग। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले जो होते हैं ना बड़े सीरियस होते हैं, लेकिन हमारे चुलबुल पांडे जरा से नहीं, थोड़े ज्यादा चुलबुल हैं। अब चुलबुल पांडे का जिक्र हो रहा है तो चलिए याद कर लेते हैं कि पहली बार हम सभी ने चुलबुल पांडे को कब देखा था। भाई चुलबुल पांडे को पहली बार हम सभी ने देखा था साल 2010 में फिल्म दबंग में। जी हाँ, यानी कि इस पूरी सीरीज के पहले इंस्टॉलमेंट में। अब इस सीरीज में जब सभी ने चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान का ये किरदार देखा तो दर्शक तो जैसे ऐसे हो गए, यानी कि उनकी आंखें फटी रह गई, सब के सब ऐसे हो गए कि भाई सलमान खान वाओ, यानी कि उनका ये किरदार बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद दर्शकों का मन नहीं भरा, उन्होंने कहा भाई हमें तो सेकंड पार्ट चाहिए। अब सेकंड पार्ट बनाने की जिद हुई तो भाई मेकर्स कैसे पीछे हटते, उन्होंने बना दिया फिल्म का सेकंड पार्ट यानी कि दबंग 2। अब साल 2012 में आई थी दबंग 2 और उसके ठीक 7 साल बाद आई यानी कि साल 2019 में आई दबंग 3। तो भाई हो गया, यानी कि ये तीनों फिल्में तो आ गई और इन तीनों फिल्मों का फैंडम ऐसा रहा है जो कभी कम नहीं हुआ। जी हाँ, ये पहली ऐसी सीरीज रही है बॉलीवुड की हिस्ट्री में जिसके तीनों पार्ट्स को इक्वली जनता ने प्यार किया है। अब भाई इतना प्यार करते हैं किसी सीरीज को, किसी फिल्म को, तो उसका एक फाइनल इंस्टॉलमेंट आना या फिर एक और पार्ट एड ऑन होना तो बनता ही है। तो दबंग 4 भला कैसे ना आए। तो दोस्तों बहुत जल्द आने वाली है दबंग 4, और ये बात मैंने नहीं कही, कभी आप बाद में मुझे कह दें, ये बात कही है सलमान खान ने। जी हाँ, सलमान खान हाल ही में अपनी आने वाली और प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने बताया या फिर हिंट दिया कि वो शायद कहीं ना कहीं फिल्म दबंग की स्क्रिप्ट में ही लगे हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं दबंग की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, उन्होंने ऐसा कहा। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ कि दबंग 4 आने वाली है, तो भाई जाके डांस करिए, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, क्योंकि दबंग 4 होने वाली है बहुत ज्यादा उम्दा, यानी कि होने वाली है ब्लॉकबस्टर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप चुलबुल पांडे को पसंद करते हैं या इस दबंग सीरीज में आपका है कोई और फेवरेट? तो दोस्तों कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।